नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बटलर इंडिया पे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड ग्रेड डी के बारे में। तो 2019 का नोटिफिकेशन आ चुका है, आप सभी ने देख लिया होगा। उससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन है, कुछ डाउट्स है, वो सभी बताऊँगा। और साथ ही इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, क्या सैलरी रहती है इस पोस्ट पर, जॉब प्रोफाइल क्या है, प्रमोशंस कैसे होते हैं, पोस्टिंग कहाँ कहाँ होती है, एग्ज़ाम डेट कब है, फुल नोटिफिकेशन के साथ बात करेंगे। एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, पिछले साल क्या कट ऑफ रही है, स्किल टेस्ट कैसे होगा और कैसे आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, ये सभी जानकारी अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आप इससे जान पाएंगे कि आप कैसे स्टेनोग्राफर बन सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। अपने कुछ भी डाउट्स हो इसके अलावा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और इसको ज़रूर से अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और आपको कुछ भी इससे रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप हमें वहाँ पे सोशल मीडिया फॉलो कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और फेसबुक पे लाइक कर सकते हैं, आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। सो दोस्तों, फर्स्ट वन है व्हाट इज़ स्टेनोग्राफी। तो स्टेनोग्राफी क्या होती है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सीक्रेट कोड में लिखा हुआ है, तो इसी तरह स्टेनोग्राफी एक सिम्बोलिक लैंग्वेज होती है जो किसी स्पीकर द्वारा बोली जाती है, उसको उसी स्पीड में लिखना किसी सिंबल्स के द्वारा, मतलब कोई संकेत लिखे जाते हैं जो कोई और नहीं पढ़ सकता है, जो समझता है वही पढ़ सकता है। जैसे यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आपको समझ में नहीं आ रहा, अगर आपने स्टेनोग्राफी नहीं सीखी हुई है तो बताना चाहता हूँ आपको इसी तरह का कोर्स करना होता है। इसको आपको समय कितना लगता है, 6 महीने से लेकर 1 साल तक का टाइम लगता है इसको सीखने के लिए, स्पीड लाने के लिए। तो आपको शुरू के 2 से 3 महीने तो आपको बेसिक सीखने के लगेगा, उसके बाद आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने मेहनत करते हैं, उस हिसाब से आपकी स्पीड बनती है। तो अपन चलते हैं एसएससी ग्रेड सी और ग्रेड डी के स्टेनोग्राफर के नोटिफिकेशन पे। तो दोस्तों, ये है एसएससी द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और ख़ुद से भी देख सकते हैं। आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ, एसएससी द्वारा निकाले जाते हैं हर साल ग्रेड सी और ग्रेड डी की पोस्ट, दोनों में अंतर क्या है वो भी आप कुछ पता चल जाएगा, आप देखते रहिए। सबसे पहले अपन बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की। तो यहाँ पे देखिए, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में अगर आपने 12th किया है तो आपके लिए काफ़ी है फॉर्म भरने के लिए, या इसके इक्वेलेंट आपने कुछ भी किया है तो आप यहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए 18 से 30 साल और ग्रेड डी के लिए 18 से 27 साल। अब दोस्तों, फॉर्म भरते टाइम से पूछेगा कि आप केवल सी भरना चाहते हैं, केवल डी भरना चाहते हैं या दोनों भरना चाहते हैं, तो आप अपनी एज के हिसाब से आपको जो अच्छा लगे वो आप भर सकते हैं। और नीचे एज रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है, वो आप अपनी कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। अब अपन बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की और सिलेक्शन प्रोसेस की। तो दोस्तों, ये है एग्ज़ाम पैटर्न स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो आपके एग्ज़ाम की जो डेट है वो 5 मई से लेकर 7 मई तक है, जिसमें आपकी 3 सब्जेक्ट आएगी, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, दूसरा जनरल अवेयरनेस, थर्ड वन इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब इंग्लिश। तो आपकी रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स और इंग्लिश 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। टोटल ड्यूरेशन आपका रहेगा 2 घंटे का पेपर का। तो आपको इसमें मैक्सिमम स्कोर करना है कट ऑफ क्लियर करने के लिए। आगे पूरी बात करेंगे कि आपको किस तरह से सिलेबस तैयार करना है, और आप नीचे कमेंटों में बताइएगा आपको अगर डिटेल में सिलेबस चाहिए तो वो वीडियो में आपके लिए बना दूंगा। अब बात करते हैं अपन इसकी। देखिए, यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे और नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ये आपने सभी ने देख लिया होगा। और ये देखिए, सिलेबस दिया हुआ है, अगर आपको देखना है तो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। वैसे मैं इसके अलग से वीडियो बना दूंगा अगर आपके कमेंट्स आएंगे तो, डिटेल में कैसे तैयारी करनी है। और जो आपका स्किल टेस्ट होगा उसके बारे में बता देता हूँ कि आपका 10 मिनट का टेस्ट होगा हिंदी और इंग्लिश, जो उसमें आपने तैयारी की है उसमें। और स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए 100 की स्पीड मांगी जाती है और डी के लिए 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगी जाती है। और ट्रांसक्रिप्शन टाइम यहाँ पे दिया हुआ है, ग्रेड डी के लिए इंग्लिश के लिए 50 मिनट, हिंदी के लिए 65 मिनट, ग्रेड सी के लिए इंग्लिश के लिए 40 मिनट और हिंदी के लिए 55 मिनट समय दिया जाता है। अब बात करते हैं अपन इस सैलरी की। तो 2 पोस्ट थी मैंने बताया आपको, ग्रेड सी और ग्रेड डी। तो ग्रेड सी थोड़ी अपर लेवल की पोस्ट है और ग्रेड डी उससे नीचे लेवल की पोस्ट है। तो ग्रेड सी में ऑब्वियसली सैलरी ज़्यादा होगी और ग्रेड डी में उससे कम होगी कंपैरेटिवली। तो ग्रेड सी का पे स्केल 9,300 से लेके
34,800 तक है ग्रेड पे की बात करें तो 4,200, और अगर आप किसी में ग्रोथ सैलरी देखे वैसे दोस्तों सिटी के हिसाब से मिलता है एक्स सिटीज वाई की सिटीज, तो अगर अपन ग्रोथ देखें तो यहाँ पे 48,000 हो जाती है ग्रेड सी की सैलरी, और ग्रेड डी की इसी तरह से ग्रेड पे 2,400 और इन हैंड सैलरी 28,000 से लेकर 30,000 तक होती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं अपन जॉब प्रोफाइल की, तो ये है ड्यूटीज़ स्टेनोग्राफर्स की इन वेरियस मिनिस्ट्रीज़ और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में। तो मेन वर्क है स्पीच राइटिंग, प्रेस कॉन्फ्रेंस ब्रीफिंग, मतलब आपको स्पीच लिखना होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस को ब्रीफ करना होता है, असिस्टिंग द मिनिस्टर एंड सीनियर ऑफिसर, जिस भी आप मिनिस्टर और सीनियर ऑफिसर के अंडर वर्क करते हैं उनको असिस्ट करना होता है, और हेल्प करना होता है पब्लिक रिलेशंस में। इनके अलावा भी जो वर्क है वो बता देता हूँ मैं आपको स्टेनोग्राफर्स के। इनके अलावा आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों जो स्टेनोग्राफर्स होता है उसको गवर्नमेंट ऑफिस आवर्स में ही वर्क करना होता है, कोई भी अदर वर्किंग आवर्स नहीं है। इनमें मेन वर्क जो आते हैं वो असिस्टिंग विद फ़ोन कॉल्स, जिस भी मिनिस्टर और सीनियर ऑफिसर के साथ आप हैं उनके आपके फ़ोन कॉल्स अटेंड करने होते हैं, डीलिंग विद विजिटर्स, जो भी विजिटर्स आते हैं उनके साथ डील करना होता है, हैंडलिंग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल्स, जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको हैंडल करना, टेकिंग डिक्टेशन एंड टाइपिंग, डिक्टेशन लेकर उनको टाइप करना होता है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना होता है, आपको जो भी मीटिंग्स होती है उनको भी अरेंज करना होता है, और आपको एक डायरी मेंटेन करनी होती है, और उसी के साथ जिस भी मिनिस्टर और सीनियर पर्सन के साथ आप हैं उनके टूर प्रोग्राम्स आपको अरेंज करने होते हैं। तो ये सभी बेसिक ड्यूटीज़ है। तो दोस्तों ये थी जॉब प्रोफाइल, अब बात करते हैं अपन। तो दोस्तों ये है डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्ट्रीज़ जहाँ पे आपकी पोस्टिंग होती है। तो इसमें मेन है मिनिस्ट्रीज़ ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इसमें अगर आप करते हैं तो आपको विदेश में भी मौका मिल सकता है जॉब का। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे में नौकरी लगती है आपकी इसमें, रेलवे डिपार्टमेंट में, तो आपको हो सकता है फ्री टिकट्स भी मिल जाए। सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स, आर्म्ड फोर्स हेडक्वार्टर्स, फॉरेन डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इलेक्शन कमीशन, इसी तरह से और भी जो डिपार्टमेंट होते हैं उनमें आपकी पोस्टिंग होती है। ये मेन मेन मैंने आपको बता दिए हैं यहाँ पे। अगर अपन यहाँ पे पोस्टिंग की बात करें तो मिनिस्ट्रीज में आपको मेन दिल्ली में मिलता है, और डिपार्टमेंट में आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी पोस्टिंग मिल सकती है। अब बात करते हैं अपन प्रमोशंस की। तो सबसे पहले अगर आप स्टेनोग्राफर ग्रेड डी लगे हैं तो सबसे पहले आप स्टेनोग्राफर ग्रेड सी होंगे। अगर आप स्टेनोग्राफर ग्रेड सी लगे हैं तो फिर उसके बाद आप प्राइवेट सेक्रेटरी बनेंगे, उसके बाद आप सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी होंगे, और उसके बाद सीनियर प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे इनमें वर्क अलग होगा, लेकिन वर्क अलग नहीं होता है, वर्क सभी में सेम होता है। जो स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी मैंने बताया था आपको पहले जॉब प्रोफाइल में, वही वर्क होते हैं। अब अपन बात करते हैं लास्ट ईयर कट ऑफ की। तो फ्रेंड्स ये है स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी एग्जामिनेशन 2018 का रिजल्ट, इसकी कट ऑफ अपन देख सकते हैं, और इसी के हिसाब से मैं बता दूंगा कि आपको इस बार कितना स्कोर करना है जिससे आप सेफ रहें। तो इसका एग्ज़ाम 5 फरवरी से लेकर 8 फरवरी 2019 में हुआ था। इसमें ग्रेड सी और डी दोनों की अलग अलग से कट ऑफ जाती है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के कट ऑफ की। तो जनरल है उसमें 138 गई थी, ओबीसी में 133, एससी में 119 एंड एसटी में 105 नंबर गई थी। और यहाँ पे आप ओएच, वीएच और अदर कैटेगरीज के यहाँ पे देख सकते हैं, ये स्टेनोग्राफर ग्रेड सी की थी। और स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए यहाँ पे कट ऑफ है 134 जनरल, ओबीसी 130, एसटी 97 और एससी 113। तो ये गई थी लास्ट ईयर कट ऑफ। तो अपन बात करते हैं इस बार कट ऑफ में कितना इंक्रीज होगा। तो आप जैसे पता होगा लास्ट, अगर आप लास्ट ईयर की कट ऑफ देखेंगे तो धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज हो ही रहा है कट ऑफ में। और इस बार तो ये है कि अभी तक 2018 का स्किल टेस्ट नहीं हुआ है, तो जो भी 2018 में क्वालिफाई हुए हैं वो 2019 में फिर से अप्लाई करेंगे, तो उससे कट ऑफ बढ़ने का चांसेस है। तो इस बार जो कट ऑफ है वो ग्रेड सी के लिए 145 जा सकता है, और ग्रेड डी के लिए आप 140। तो ये दोनों स्कोर आपके माइंड में होने चाहिए, तब आप अपने आप को सेव कर सकते हैं कि ये मेरे लिए अच्छे नंबर है, तो आप इनके हिसाब से तैयारी कीजिए। ये नंबर लाने के लिए आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है इंग्लिश पे, क्योंकि वो 100 मार्क्स की है, उसके बाद रीजनिंग में उसको 50 मार्क्स की है, और उसके बाद आपको देना है जनरल अवेयरनेस, वो भी 50 मार्क्स की है। तो इन दोनों में आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं, और इसमें आप 30 नंबर ला सकते हैं। इसमें आप 80 प्लस लाइएगा, इसमें 45 प्लस, और इसमें आप 30 प्लस।
तब आपका अच्छे नंबर आएंगे और आप क्वालिफाई कर पाएंगे। तो दोस्तों बस यही बताना था, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लाइक कीजिएगा, थैंक यू।